सर्वा बाधा विनिर्भोक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। अवेकनिंग मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, एक समय की बात है, अक्सर आपने अपने घर में भी देखा होगा, बच्चों में देखा होगा कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या कोई एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा अव्वल आते हैं। उन पर माँ बाबू जी को विश्वास होता है, टीचर को विश्वास होता है कि हाँ, ये बच्चा कुछ कमाल जरूर करेगा। एक बार एक स्कूल में कॉम्पिटिशन रखा गया और सभी बच्चों को एक कहानी लिखने के लिए समय दिया और जो सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखकर आएगा उसे सबसे बड़ा स्कूल का साल भर का पुरस्कार दिया जाएगा। ज्यादातर उस स्कूल के बच्चों को और टीचर को यह पता था कि फलाना जो स्टूडेंट है वही नंबर वन आएगा और वही अच्छी कहानी लिखकर लेकर आएगा। समय गुजरा और जब उस छात्र को लगा कि अब तो दो दिन ही बचे हैं, तो आनंद और फानन में उससे वो कहानी लिख डाली। पुरस्कार का समय आया, पुरस्कार उसे नहीं किसी और को मिल गया। बहुत रोया, घर पर आया, मायूस और उदास रहा। उसकी बड़ी बहन ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, तुमने देर की, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस था, तुम्हें लगता था कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इतना समय होते हुए तुमने नहीं किया और लास्ट में तुमने इससे काम को किया। अब इसे ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी बना लो और भविष्य में इसे मत दोहराना। बड़ी बहन की इस सीख ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी और आगे चलकर वही छात्र अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नाम से विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बने। बाद में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। अगर आपको भी ऐसा लगता है, अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने एक कहानी बताई थी कि जब हवा चलती है मैं सोता हूं, तो अगर आप आज से ये ठान लो कि हम हर काम को एडवांस में करेंगे और पूरी तल्लीनता से 100% अपने एनर्जी के साथ करेंगे, देखिएगा आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और परीक्षा के समय आपको मायूस नहीं होना होगा और आपको ही पुरस्कार मिलेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई है और इस सीख को भी आप जरूर अपनाएंगे। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।